खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चले दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, पाकिस्तान ने हाफिज सईद के दो संगठनों को बैन कर दिया है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के कारण पाकिस्तान आतंकियों पर नकेल कसने को मजबूर हुआ है। आतंकियों पर एक्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा और फलाह इंसानियत पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 के तहत ये कार्रवाई की है। परसों तक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की वेबसाइट पर आतंकी हाफिज के संगठनों को निगरानी सूची में रखा गया था। कल ही इन्हें प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाला गया है। हाफिज सईद इन दोनों संगठनों के जरिए करीब 300 धार्मिक शिक्षण संस्थान और स्कूल, अस्पताल, पब्लिशिंग हाउस और एम्बुलेंस सर्विस चलाता है। उसके करीब 50,000 स्वयंसेवक और सैकड़ों कर्मचारी हैं। हालांकि अभी ये देखना बाकी है कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ वाकई गंभीर है या फिर ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए है।